हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक सर्वे के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने बिहार बजट और यूनियन बजट के शॉर्ट नोट्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज के वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के शॉर्ट नोट्स को मैं डिस्कस करूंगा। यह केंद्र सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे पेश की गई है 22 जुलाई को, उसका शॉर्ट नोट्स होगा। तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, वह इकोनॉमिक सर्वे 22 जुलाई को पेश किया गया था, ठीक है। बजट 23 जुलाई को पेश किया गया था, हमने यूनियन बजट वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। और बजट पेश करने के एक दिन पूर्व यानी कि 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे वित्त वर्ष 2023-24 का पेश किया गया था, ठीक है। पहली बार जो इकोनॉमिक सर्वे है वह 1950-51 में पेश किया गया था। 1950-51 से लेकर 1964 ईस्वी तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों साथ साथ पेश किए जाते थे, लेकिन 1964 ईस्वी के बाद से यह आम बजट से एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली थी 1950-51, तो आज़ादी से लेकर 1964 ईस्वी तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक ही दिन सदन के पटल पर रखे जाते थे, लेकिन 1964 ईस्वी के बाद से आम बजट के एक दिन पूर्व इकोनॉमिक सर्वे को सदन के पटल पर रखा जाने लगा। और इसी कड़ी के रूप में आप देखेंगे कि इस बार जो यूनियन बजट है वह 23 जुलाई को रखा गया था सदन के पटल पर, और 23 जुलाई से एक दिन पूर्व यानी कि 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। अब आइए इकोनॉमिक सर्वे के महत्वपूर्ण डेटा को देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का अगर महत्वपूर्ण डेटा देखा जाए तो वित्त वर्ष 23-24 में अंतरिम अनुमान जो जीडीपी वृद्धि दर का रहा है वह 8.2% रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे, जीडीपी वृद्धि दर जो अंतरिम अनुमान है 8.2%, राजकोषीय घाटा 5.6%। इस इकोनॉमिक सर्वे में आगामी वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 से 7% के बीच में रखा गया है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 23-24 में जीडीपी वृद्धि दर अनुमान क्या है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, तो 8.2%, और 24-25 में जीडीपी वृद्धि दर अनुमान क्या है, तो 6.5 से 7% के बीच में रखा गया है, ठीक है। अगर राजकोषीय घाटा 23-24 में पूछा जाए तो 5.6% राजकोषीय घाटा है, और बजट में हमने बताया था कि राजकोषीय घाटा इस बार का बजट के अनुसार 4.9% रखा गया 24-25 में, ठीक है, और 23-24 में राजकोषीय घाटा 5.6%। अब 2-3 साल का हम लोग वृद्धि दर देख लेते हैं। 22-23 में भारत या इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो 22-23 में 7% रहा है, 23-24 हमने ऊपर बताया 8.2%, और 24-25 में अनुमान लगाया गया है 6.5 से 7% के बीच में। इन तीनों डेटा को आप लोग याद रखेंगे, 22-23 में भारत की वृद्धि दर 7%, 23-24 में 8.2%, और 24-25 में अनुमानित है 6.5 से 7%, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर को हम लोग संक्षिप्त में देखते हैं। तीनों सेक्टर को अगर देखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, अगर तीनों क्षेत्र में हम लोग ग्रोथ रेट देखें तो कृषि व संबद्ध क्षेत्र जो कि प्राइमरी सेक्टर है 4.7% वृद्धि दर रहा है, औद्योगिक क्षेत्र जो कि द्वितीयक क्षेत्र है 2.1% वृद्धि दर रहा है, और सेवा क्षेत्र जो कि तृतीयक क्षेत्र है 10% वृद्धि दर रहा है, ठीक है। तो तीनों सेक्टर का वृद्धि दर है 4.7%, 2.1% और 10%। अगर इन तीनों क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में योगदान हम लोग देखें तो प्राइमरी सेक्टर का 17.7%, उद्योग यानी कि सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र का 27.6%, और सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र का 54.7% है, ठीक है। ये डेटा काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर है अर्थव्यवस्था में योगदान को लेकर 17.7% कृषि क्षेत्र का योगदान है, 27.6% उद्योग क्षेत्र का योगदान है, और 54.7% सेवा क्षेत्र का योगदान है, ठीक है। तो ये तीनों ग्रोथ रेट हो गए और अर्थव्यवस्था में योगदान को लेकर ये तीनों, ये छह जो डेटा है यहां पर काफी महत्वपूर्ण है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में अगर टोटल चैप्टर देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे में कुल 13 अध्याय हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण डेटा है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है उन सभी को मैं यहां पर फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, उसके पहले एक महत्वपूर्ण यह है कि अमृतकाल की विकास रणनीति जो है 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आधारित है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा के दौरान माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जिक्र किया गया है। जो 6 महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनमें पहला है निजी निवेश को बढ़ावा देना, दूसरा है MSME का विस्तार, तीसरा है कृषि विकास इंजन के रूप में कृषि को डेवलप करना, हरित परिवर्तन को वित्त पोषित करना, शिक्षा रोजगार अंतर को गैप करना, और राज्यों की क्षमता निर्माण पर फोकस करना। यानी कि अमृतकाल जो
भारत का रखा गया 2047 ईस्वी तक टारगेट, उस अमृत काल को अचीव करने के लिए, अमृत काल तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में उन्नत बनाने के लिए 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस की बात की गई है। निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, एमएसएमई का विस्तार किया जाएगा, विकास के इंजन के रूप में एग्रीकल्चर को डेवलप सेंटर बनाया जाएगा, हरित परिवर्तन को वित्त पोषित किया जाएगा, शिक्षा और रोजगार के बीच का जो अंतर है उसको गैप किया जाएगा, यानी कि रोजगार पर फोकस किया जाएगा और राज्यों की जो क्षमता निर्माण है उस पर ज्यादा फोकस किए जाएंगे। तो अमृत काल की जो विकास रणनीति है इन्हीं 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आधारित है और जिसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है। अब आइए, जो हमने बताया कि 13 महत्वपूर्ण चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में इस बार जिक्र किए गए हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर में कहा गया है कि भारत की 42.3% जो आबादी है वह एग्रीकल्चर क्षेत्र से संलग्न है। ठीक है, 42.3% आबादी, 42.3% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से संलग्न है। खाद्यान्न उत्पादन देखा जाए तो 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मीट्रिक टन हुआ है और 23-24 में अनुमान है 328.8 मीट्रिक टन, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में 22-23 की तुलना में गिरावट देखने को मिला है 23-24 में। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। 22-23 में खाद्यान्न उत्पादन जो 329.7 मीट्रिक टन और 23-24 में 328.8 मीट्रिक टन, यानी कि 22-23 की तुलना में 23-24 में हमें गिरावट देखने को मिली है। सूक्ष्म सिंचाई कोष, सरकार ने कहा है कि 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय कोष के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई हेतु राज्यों की सुविधा के मद्देनजर नवार्ड के साथ मिलकर यह कोष का निर्माण किया जाएगा। यानी कि राज्यों की सुविधा को प्रोवाइड करने के लिए केंद्र सरकार जो है वह नवार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपये की वित्तीय परिव्यय के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना करेगी। ठीक है, तो सूक्ष्म सिंचाई कोष कितना होगा? 5,000 करोड़ रुपए का फंड होगा। अब आइए मछली उत्पादन। तो मछली उत्पादन में सरकार ने जो डेटा पेश किया है उसके अनुसार मछली उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है और वैश्विक उत्पादन का 8% मछली का उत्पादन भारत के अंतर्गत किया जाता है। याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, वैश्विक उत्पादन का कितना प्रतिशत मछली उत्पादन भारत में किया जाता है, टोटल कितना उत्पादन हुआ, ये सब डेटा जो है वह प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर ओवरऑल मछली उत्पादन देखा जाए तो भारत का देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान है मत्स्य उत्पादन में। पूरे वैश्विक स्तर पर जितना मत्स्य उत्पादन होता है उसका 8% उत्पादन भारत के अंतर्गत किया जाता है और अगर इसका फिगर हम लोग देखें तो 17.54 मीट्रिक टन कुल मछली उत्पादन हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अनुसार। इसके साथ साथ ऑपरेशन ग्रीन्स, आपने सुना होगा पिछले कई 2-3 वर्ष पहले सरकार के द्वारा जब बजट पेश किया गया था तो ऑपरेशन ग्रीन का कॉन्सेप्ट रखा गया था और ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट रखते हुए इसके अंतर्गत 3 फसलों को शामिल किया गया था, टमाटर, प्याज और आलू, इन 3 फसलों को इसमें समाहित किया गया था। लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है, वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया कि जो ऑपरेशन ग्रीन का जो दायरा है वह 3 फसलों से बढ़ाकर 22 फसलों तक किया गया है। इन 22 फसलों में 10 फसल जो है वह फल से संबंधित है, 11 फसल जो है वह सब्जियों से संबंधित है और 1 झींगा इससे संबंधित है। टोटल 22 फसलें इसमें समाहित है। ये हो गया एग्रीकल्चर से संबंधित। अगर हम लोग बाह्य क्षेत्र को देखें तो बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत 2023 के दौरान शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश अगर टॉप 3 कंट्री देखें तो ऑब्वियस है कि कई वर्षों से लगातार भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, तो अगर शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश की सूची हम लोग देखें तो नंबर 1 पे भारत है, नंबर 2 पे मैक्सिको है और नंबर 3 पे चाइना है। भारत ने टोटल $120 बिलियन का प्रेषण प्राप्त किया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि $100 बिलियन से ज्यादा किसी देश ने प्रेषण प्राप्त किया है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ऐसा रिकॉर्ड प्राप्त करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता में भारत, मैक्सिको और चाइना इसमें शामिल है। अगर हम लोग निर्यात देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर जितना सेवा का निर्यात होता है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत के सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 4.3% है। ठीक है, अगर लेते हैं कि 100% सेवा निर्यात को एक आधार मान लिया जाए तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत की इसमें हिस्सेदारी है 4.3%। इनमें से भी देखा जाए सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भारत जिसका निर्यात करता है वह कंप्यूटर का है। पूरा जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात किया जाता है उसका अकेले 23% सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, अगर भारत का सेवा क्षेत्र देखा जाए जो कि तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है, भारत का सेवा निर्यात जो है पिछले 9 वर्षों में दुगुनी
से अधिक हुई है, यानी कि सेवा के क्षेत्र में हमने काफी ज्यादा तरक्की की है और इसका निर्यात जो है काफी इसका चहुमुखी विकास देखने को मिला है। विदेशी मुद्रा भंडार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 646.4 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो 646.4 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत विश्व का तीसरा बड़ा फार्मास्यूटिकल बाजार बना है, ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल बाजार बना है। और अगर इसका भारत का रेंज देखा जाए, फार्मास्यूटिकल बाजार का आकार देखा जाए, तो 50 अरब डॉलर का भारत का फार्मास्यूटिकल मार्केट है। विश्व 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 कंपनियां जो है वह भारत में है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्थिति है। टॉप जो 20 फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनमें से 8 कंपनियां जो हैं वे भारत में अवस्थित हैं, और पूरे विश्व में भारत का फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है थर्ड नंबर पे है और उसका कुल आकार 50 अरब डॉलर है, ठीक है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 68,584 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 2 महत्वपूर्ण द्वीपों का विकास किया जा रहा है। इन द्वीपों का विकास औद्योगिक विकास पर फोकस किया जा रहा है, इसके अलावा पर्यटन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में काफी ज्यादा लक्षद्वीप चर्चा में रहा था और सरकार मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत 2 महत्वपूर्ण द्वीपों का विकास कर रही है। उन 2 महत्वपूर्ण द्वीपों में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये 2 द्वीप शामिल हैं। इसका क्या उद्देश्य है, तो पर्यटन इसका काफी महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देना है। तो आप लोग याद रखेंगे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ठीक है, टारगेट क्या है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, इसके तहत 2 महत्वपूर्ण द्वीपों का पोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब आइए अक्षय ऊर्जा में। अक्षय ऊर्जा आप जानते हैं कि विगत कई वर्षों से सरकार के द्वारा इस पर काफी ज्यादा विकास पर फोकस किया जा रहा है और वर्तमान समय में इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अनुसार अक्षय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है, ध्यान देंगे स्थापित क्षमता, यानी कि जो अभी वर्क कर रहे जितना इंस्टॉल्ड हो चुका है कैपेसिटी, वह 190 गीगावाट है, ठीक है। तो अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता 190 गीगावाट है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का देखा जाए तो विश्व में 4थे नंबर पर स्थान आता है। AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया है। 2 महत्वपूर्ण चीज यहां से महत्वपूर्ण है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है, जर्मनी में किया गया, ठीक है। पहला ये महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें टॉप 500 वैश्विक जो सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट है उसमें भारत के किस सुपर कंप्यूटर ने अपना स्थान दर्ज कराया, तो 75वें स्थान पर है एरावत, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। फंड ऑफ फंड्स की चर्चा की गई है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे में जो फंड ऑफ फंड्स की चर्चा की गई है वह स्टार्टअप के विकास से संबंधित है और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये फंड की व्यवस्था की गई है, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में न्यूज में रहा फंड ऑफ फंड्स या इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा किए गए वित्त मंत्री के द्वारा शब्द फंड ऑफ फंड्स का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो स्टार्टअप के विकास से संबंधित है और 10,000 करोड़ रुपया फंड का आकार है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अब आइए, एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है एम्स देवघर, ठीक है। तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया, एम्स देवघर में किया गया है। वित्तीय वर्ष 23-24 में जन्म के समय लिंगानुपात क्या था, तो 930 जन्म के समय लिंगानुपात था। उपभोक्ता को रियायती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्धता के लिए सरकार के द्वारा 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव उठाए गए हैं, उनमें पहला इनिशिएटिव है भारत चावल के नाम से किफायती दर पर चावल उपलब्ध कराई जाएगी और भारत आटा के नाम से किफायती दर पर आटा उपलब्ध कराया जाएगा। जो चावल उपलब्ध कराए जाएंगे 29 रुपये प्रति केजी और आटा जो उपलब्ध कराया जाएगा 27.5 रुपये प्रति केजी होगा, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उपभोक्ताओं को रियायती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार किस नाम से चावल उपलब्ध करा रही है। ऑप्शन दे देगा आपको इंडिया चावल, भारत चावल, ठीक है, आर्यावत चावल और कुछ भी ऐसा दे सकता है, प्रधानमंत्री चावल, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा भारत चावल और भारत आटा के नाम से किफायती दर पर सरकार जो है वह अनाज उपलब्ध करा रही है हमारे जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए, ठीक है। जो कुल कर संग्रह किए गए हैं वित्तीय वर्ष के दौरान, कुल कर संग्रह में 75% जो कर है वह डायरेक्ट टैक्सेस से आए हैं और 45% जो कर है वह इनडायरेक्ट टैक्सेस से आए हैं, ठीक है। यानी कि कुल कर संग्रह का 55% प्रत्यक्ष कर से और 45% अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त सरकार को हुई है।
भारत का माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र के रूप में उभरा है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रखता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि माइक्रो फाइनेंस जो क्षेत्र है चीन के बाद नंबर दो पे भारत आता है वैश्विक लेवल पे। भारतीय ई कॉमर्स उद्योग के 2030 तक 350 अरब डॉलर पार कर जाने की उम्मीद है, यानी कि जो ई कॉमर्स मार्केट है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, वह 2030 तक 350 अरब डॉलर को प्राप्त कर जाएगा। कुल टेलीडेंसिटी मार्च 2014 में 75.2% थी और मार्च 2024 में टेलीडेंसिटी बढ़कर 85.7% हो गई है। इंटरनेट डेंसिटी अगर देखा जाए तो मार्च 2024 में इंटरनेट डेंसिटी 68.2% तक बढ़ गई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता देश बना हुआ है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में शामिल है। यह भी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता देश है भारत और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में शामिल है भारत। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज का अंतिम हम लोग डिस्कस करें जो फैक्ट्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का डेटा। ठीक है, PLFS आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 45% कार्यबल कृषि के क्षेत्र में, 11.4% कार्यबल विनिर्माण के क्षेत्र में, 28.9% कार्यबल सेवा के क्षेत्र में और 13% जो कार्यबल है निर्माण क्षेत्र में संलग्न है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कृषि क्षेत्र, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कितने कार्यबल संलग्न हैं इसकी चर्चा की गई है। तो 45% जो कार्यबल हैं वह 45% कार्यबल कृषि के क्षेत्र में, 11.4% कार्यबल विनिर्माण के क्षेत्र में और 28.9% जो कार्यबल है वह सेवा क्षेत्र में संलग्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे जो केंद्र सरकार की इकोनॉमिक सर्वे है जिसे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 22 जुलाई 2024 को पेश किया गया था, इसके महत्वपूर्ण डेटा को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें हमने बताया कि टोटल 13 चैप्टर हैं लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स में फैक्चुअल सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो उन सभी को हमने आपके साथ रखा है। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो डेटा है उसे आपको मन में हमेशा ध्यान रखना है, एक तो वृद्धि दर वाला डेटा और अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर और अर्थव्यवस्था में कितना योगदान किस क्षेत्र का है। ठीक है, इन दोनों डेटा और इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, राजकोषीय घाटा, जीडीपी वृद्धि दर, ये सब का जो डेटा है, पीसीआई पर कैपिटल इनकम, ये सब का जो डेटा है हमेशा आप लोग याद रखेंगे। और भारत और बिहार आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग काफी बेहतर तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे और बीपीएससी के द्वारा जैसा डेट बताया जा चुका है 17वीं प्रीलिम्स के लिए वह 17 नवंबर का डेट है और आप लोग इसी अनुरूप जो है खूब मेहनत कर रहे होंगे। हमने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भारत को जल्द ही मैं उपलब्ध करा दूंगा। भारत का इकोनॉमिक सर्वे आज डिस्कस हो चुका है, इंडिया और भारत जो सेंट्रल लेवल का, उसका बजट हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं उसको मैं पूर्व में ही डिस्कस कर चुका हूं। अभी आप लोग अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी और रिवीजन पे फोकस करें। ठीक है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करते रहे ताकि एग्जामिनेशन में आप लोग ज्यादा स्कोर कर सकें। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें @ISPCCenter, वहां पर बीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी मटेरियल होता है आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाता है। बिहार बजट और सेंट्रल का जो बजट है केंद्र सरकार का, उसका हमने PDF टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया है। 2-3-4 दिनों के अंदर इकोनॉमिक सर्वे का भी PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।